मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने 20,000 रुपये व लैपटॉप लूटा। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना को पसगवा पुलिस ने की लीपापोती। कोतवाली पसगवा क्षेत्र में लूट चोरी की घटनाएं अब आम बात हो गई। जनसेवा केंद्र चलाने वाले विमल गुप्ता जनसेवा केंद्र बंद करके अपने गांव जा रहा था कि मझिला और सेंडा के बीच पहले से घात लगाए हुए लुटेरे बाइक पर सवार थे। दिन में लुटेरे ने तमंचे के बल पर लैपटॉप, एटीएम कार्ड व कुछ 20,000 रुपये लूट लिए, जिसके बाद पीड़ित ने पसगवा पुलिस को लूट हो जाने की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने लूट की सूचना नहीं दर्ज की और पीड़ित पर लूट की सूचना न दर्ज कराने का दबाव डाला गया। परिवार वालों ने कहा कि पुलिस ने पीड़ित से कहा कि रुपए गिर जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दो, 20,000 रुपए हम दे देंगे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सकी है। पुलिस अंदर ही अंदर घटना की जानकारी कर रही है। इससे पूर्व में कई चोरी हुई है और लूट की घटनाएं चोरी में बदल रही है। पसगवा पुलिस लूट की घटना को चोरी में बदलने में जुटी। मीडिया ने जानकारी लेनी चाहिए तो पहले तो बताया कि लूट चोरी की कोई घटना नहीं हुई। लूट की घटना में पसगवा पुलिस में 5 लोगों को सकरा गांव से उठाया। 24 घंटे से ज्यादा की गई पूछताछ घटना को लेकर पसगवा कोतवाली पहुंचे पुलिस अधीक्षक खीरी, लेकिन जिसके साथ दिन में हुई लूटपाट में पसगवा पुलिस ने पहले से ही लीपापोती कर दी थी। लूट की घटना को लेकर पसगवा क्षेत्र की जनता पुलिस पर उठा रही सवाल। कोतवाली प्रभारी आदर्श सिंह जैसे कानून का दुरुपयोग करते सरकार की छवि धूमिल करते और गरीब जनता का कानून से उठ रहा विश्वास। मैं भाई आपका विमल कुमार। किस ग्राम पंचायत में रहते हैं आप? सेंडा। क्या घटना घटित हुई थी? सर मैं दुकान बंद करके आ रहा था, लखनऊ गया, होके आया मंजिला के पास पहुंचा तो दो मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल के सामने से आई और दो लोग थे, उसमें बैग छीन लिया। तो मंजिला